गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो छोटी सी जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आला वैकेंट टेम्पर हम लोग के जो पोस्टपोन हुई है इसकी डेट के बारे में। तो ये सबसे पहले 6 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। अभी जो नेक्स्ट अपडेट इन्होंने जो अनाउंस किया है उनकी टीज किया जो सेकेंड ट्रेलर के द्वारा, तो वो अब निकल के आ रही है कि वो अब 13 फरवरी को अब रिलीज करने वाले हैं आला वैकेंट टेम्पर हिंदी को उनके वर्ल्ड प्रीमियर ढिंचक टीवी पर। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मनीष शाह उनके जो उन्होंने इसे मतलब डिसाइड किया था कि 6 फरवरी को इसे रिलीज करना है, उसके बाद जब ये अनाउंस करें 13 फरवरी, उन लोगों को उस समय में माइंड पे ये क्लिक नहीं हुआ था तो 13 फरवरी के बाद में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है तो हम एक दिन पहले रिलीज करेंगे। अरे यार क्या मचाया, मतलब ना पॉलिटिक्स यहाँ भी चल रही है दोस्तों। आप ये जान लो कहीं ना कहीं पर कोई कहे या ना कहे पर यहाँ भी फिर से पॉलिटिक्स चालू हो गई है इसकी वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में। और इसकी वजह से अगर ये फिल्म डिले होती तो आप लोगों को पता होगा इसके बाद मैर्सल आने वाली है, उसके बाद जो भीष्मा आने वाली है हिंदी जो हमें देखने को मिलेगी उसी वर्ल्ड प्रीमियर होने वाली है ढिंचक टीवी पर। तो अब उसकी जो डेट है वो तो फिर खिसक जाएगी ना। हम लोग सोच रहे थे कि अभी जब इतनी अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है जो फिल्म हम हिंदी पर देख पाएंगे, चलो ठीक है बिग स्क्रीन पर नहीं देखेंगे पर कम से कम हमें टीवी पर तो देखने को मिल ही जाएगी। पर अब जब इससे डेट को पोस्टपोन करके आला वैकेंट टेम्पर का, उसके बाद जब मार्शल आने वाली है, उसके बाद जो भीष्मा आने वाली है उसकी डेट को तो फिर स्पैन कर दिया गया। मतलब क्या यार, मतलब कुछ तो सोचो यार मनीष साहब, ये मतलब कि फिल्म को आपको रिलीज नहीं ही करनी है तो आप मतलब फुल स्टॉप कर दो एक बार, और आपको रिलीज करनी है तो आप सेम टू सेम जिस डेट पे आपने कहा उस डेट के आप रिलीज करो ना यार। मतलब क्या है, मतलब कोई मजाक नहीं, हम लोग को भी बुरा फील होता है, हम लोग भी करते हैं एक्सपेक्ट होते हैं इस दिन हम लोग को ये मूवी देखनी है, सब चाहते होते हैं, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे तो यही लगता है कि फिर से इस फिल्म के लिए कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब देखते हैं क्या होती है 13 फरवरी को, फिलहाल तो पूरा डिसअपॉइंटमेंट है हमें, अब देखते हैं आगे क्या होती है। और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बने हमारे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय।